नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हिंसक हुआ पटेल आंदोलन, आगजनी के बाद कर्फ्यू। पटेल समुदाय के ओबीसी आरक्षण आंदोलन ने मंगलवार को उस समय हिंसक रूप ले लिया जब उसके नेता हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। देखते ही देखते अहमदाबाद में हिंसा भड़क गई और इसकी आंच मेहसाणा, सूरत और राजकोट तक पहुंच गई। आंदोलनकारियों ने मेहसाणा में गृह राज्य मंत्री रजनीकांत पटेल के घर आग लगा दी। अहमदाबाद, सूरत और मेहसाणा जिले में हिंसा के बाद कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज अहमदाबाद में सभी स्कूल बंद रहेंगे। मोबाइल और इंटरनेट पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। गुजरात में फिलहाल हालात तनावपूर्ण है। उधर हार्दिक ने आज भी गुजरात बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज पर अफसोस जाहिर करते हुए घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब घटेंगे दाल के दाम, मिलेगी सब्सिडी। केंद्र राज्यों को आयातित तुअर दाल पर प्रति किलोग्राम 10 रुपए की सब्सिडी देगा ताकि इसे किफायती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र सरकार राज्यों को तुअर दाल की आपूर्ति 67 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करेगी, जबकि इसे प्रति किलोग्राम 77 रुपए की दर से आयातित किया गया है। तुअर दाल पूरे देश में फिलहाल औसतन 135 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है। सरकारी ट्रेडिंग फर्म MMTC ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से 5000 टन तुअर दाल का आयात करने के लिए निविदा आमंत्रित की थी। देश में हिंदू घटे, मुसलमानों की संख्या बढ़ी। धार्मिक आधार पर जारी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की संख्या घटी है, जबकि मुसलमानों की संख्या में इजाफा हुआ है। सन 2011 के भारत की जनसंख्या के धर्म के आधार पर आंकड़े जारी हुए हैं। इस आंकड़े में ये बात सामने आई है कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 96,63,00,000 हिंदू हैं, जो भारतीय जनसंख्या का कुल 79.8% है। वहीं भारत में दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की जनसंख्या है, जो 17,22,00,000 है। जनगणना में ये बात सामने आई है कि पिछले दशक में मुस्लिमों की जनसंख्या 0.8% बढ़ी है। इस तरह से भारत की जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात घटा है।